हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज किचन सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के आटे से पापड़ फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है और उसमें दो कटोरी पानी डालकर इसको दो से तीन घंटे के लिए भिगो देंगे फ्रेंड्स पापड़ का सीज़न चल रहा है तो हर कोई पापड़ बना रहा है सो तो एक बार आप ये वाले पापड़ बनाए बहुत अच्छे लगेंगे आपको अब हम चावल के आटे को भीगने देंगे और दूसरी तरफ एक बर्तन ले लेंगे जिसको मीडियम फ्लेम पर गैस पर रख देंगे उसमें आठ कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे और पानी को गर्म होने देंगे सो so फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है आप चाहें तो कुकर या कढ़ाई कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बट ये ध्यान रखना है कि मोटे तले का बर्तन होना चाहिए इसमें एक कटोरी चावल के आटे के हिसाब से आठ कटोरी के लगभग पानी डाल देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक चम्मच के लगभग ऑयल भी डाला है जिससे हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनेंगे अब हम धीरे धीरे करके चावल के आटे के घोल को भी डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर माप का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एक कटोरी चावल का आटा है तो उसमें आठ कटोरी पानी ही डालना है हमें तो हमारे पापड़ बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे फ्रेंड्स ये पापड़ बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसको एक बार तो बनाना बनता ही है इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी चेंज होने लगेगी फ्रेंड्स देख सकते हैं धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है जब ये बैटर गाढ़ा होने लगेगा तब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे इसको कंटिन्यू ऐसे चलाते रहेंगे फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पर एक चमचा ले लिया है जिसके सहायता से अच्छे से हम इसको मिक्स कर पाएंगे और इसी से ही हम अपने पापड़ को भी बना लेंगे बहुत इजी तरीके से अब हम इसमें आधा चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि नमक को हमें कम ही डालना है क्योंकि पापड़ सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है इसीलिए नमक को हिसाब से रखें और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देंगे यहाँ पर अब हम इसको दो से तीन मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। जिससे हमारा बैटर बनकर और अच्छा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स देख सकते हैं अब इसमें बबल्स से उठ रहे हैं ये एकदम तैयार होने वाला है फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर दो खड़ी लाल मिर्च ले ली थी जिसको कैची से कट कर लिया था और उसको इसमें डाल देंगे इससे पापड़ देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे और उसके साथ साथ एक चम्मच जीरा डाल देंगे फ्रेंड जीरा और मिर्च मैंने गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही डाला है क्योंकि अगर पहले ही डाल देंगे तो इसका पापड़ का कलर चेंज हो जाएगा अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और दो से तीन मिनट लिए बैटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं हमारा बैटर पाप, पापड़ बनाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है अब हम एक प्लास्टिक ले लेंगे जिस पर हम अपने सारे पापड़ को बना लेंगे और एक एक चमचे से पापड़ फैला देंगे फ्रेंड्स पापड़ अपने अकॉर्डिंग बड़े और छोटे जैसे आपको पसंद हो आप बना सकते हैं फ्रेंड्स देख सकते हैं कितने इजी वे में बन रहे हैं ये बनाने में बहुत मज़ा आता है और आराम से बन जाते हैं ये करके आप सभी पापड़ों को ऐसे फैला लेंगे सो फ्रेंड्स हमारे सारे पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और जितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं उतने ज़्यादा खाने में भी अच्छे हैं अब हम इसको एक दिन के लिए सुखा लेंगे फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे पापड़ सूख कर तैयार हो चुके हैं अब हम इसको तल कर भी दिखाएंगे आपको एक कढ़ाई लेंगे और उसको मीडियम फ्लेम पर रख देंगे उसमें तेल डाल देंगे जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें पापड़ डाल देंगे फ्रेंड्स ध्यान रखना है तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए ठंडे तेल में पापड़ को नहीं डालेंगे और पापड़ दबा दबा कर सेक लेंगे फ्रेंड्स देख सकते हैं पापड़ अपने दव, अपने से डबल साइज़ का हो गया है फ्रेंड्स ये पापड़ बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं सो एक बार तो आप ज़रूर बनाएं इसको फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पापड़ एकदम अपने से डबल साइज के हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने हैं ये फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय